माशाल्लाह ये देखे हैं मोटरवे ढाबा स्टाइल हाईवे ढाबा स्टाइल में हमारा पुलाव रेडी हो गया। कमेंट में लाजमी बताए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ये देखे माशाल्लाह ढाबा स्टाइल में पुलाव, ये देखे मजेदार दिल बहार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नेक नाम से। मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। सेम ढाबा स्टाइल जो रोड पे रेस्टोरेंट होते हैं ना, वो स्टाइल में हम आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे पुलाव की। ग्रीन अली पुलाव भी बोलते हैं, अचारी पुलाव भी बोलते हैं, मुरादाबाई पुलाव भी बोलते हैं। ये सेम रेसिपी है। 100 ग्राम हमने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लेना और बिल्कुल ब्रीक साइज में हमने प्याज की कटिंग करनी है, बिल्कुल ब्रीक साइज में। ये रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल में पुलाव बनाने के लिए ऐसे ये देखे हैं, ये देखे कितना प्यारा प्याज कट किया हमने। ऐसे करके ब्रीक ब्रीक कटाई करनी है और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। और इसी टाइम पे हमने क्या करना, खड़े मसाले ऐड करने हैं सेम टाइम पे, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छी तरह जजब हो जाए। खुशबुआ जी, खुशबुआ कहते हैं। 2 पीस छोटी इलायची, 2 पीस दालचीनी, 4 पीस लौंग, वादिया कताई का फूल, ये ऐड कर लेंगे ऐसे करके हैं। इसको प्याज के अंदर ही ब्राउन कर लेंगे। मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। जो मोटर वे पे ढाबा स्टाइल होते हैं, मोटर वे पे रेस्टोरेंट होते हैं, उसको ढाबा बोलते हैं। ट्रकों वाला होटल, ये ऐसे होटल होते हैं। और इसका पुलाव बहुत ही मज़ेदार होता है, दिल बहार होता है। आप आज अपना देसी किचन में हम आपको ये रेसिपी शेयर करेंगे। माशाल्लाह ये देखें, प्याज हमने अच्छी तरह ब्राउन कर लिया, ये फुल गोल्डन ब्राउन किया है ढाबा स्टाइल में। और अभी हमने क्या करना, प्याज को थोड़ा सा पानी लगाना, क्योंकि प्याज कड़त्तन की तरफ ना जाए। ऐसे करके ये देखें, ऐसे पानी लगा देंगे और ऐसे करके इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें हैं, अभी हमारा प्याज है जो है कड़त्तन की तरफ नहीं जाएगा। अभी हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज के हमने टमाटर लिए, यानी 100 ग्राम इसका वजन है। 4 हमने ब्रीक ब्रीक हरी मिर्च काट लिए, 2 अदर लेमन, ये ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे करते हैं। और 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर की भुनाई करके, क्योंकि टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। फिर मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। टमाटर ऐड करने के टाइम हमने 2 पीस जलपत्री के डाल देने ऐसे करके। और इस टाइम पे आ गया हमने 1 टेबल स्पून जिंजर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और 10 से 12 जबे साबुत लहसुन के ऐड कर देंगे ऐसे करके। ये देखें, इस टाइम पे आके आपने डाल लिया। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। माशाल्लाह टमाटर हमारे ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। सबसे पहले हमने इसमें क्या ऐड करना, नमक। 1 kg हमारे राइस है, 1/2 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे। और लाल मिर्च, दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। और टेबल स्पून का चौथा हिस्सा रेड पेपर का लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर टेबल का स्पून का चौथा हिस्सा, ये ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। जीरा टेबल स्पून का चौथा हिस्सा ऐड कर देंगे। और उसके बाद पुलाव राइस, चिकन मसाला 1/2 टेबल स्पून, सौंफ का 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, 2 तेज पत्ता, ये ऐड कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह बनाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हैं, 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों की अच्छी तरह बनाई कर लेंगे, मसालों का कच्चापन खत्म कर लेंगे। ये जो हमने मसाले ऐड करने हैं मुरादाबादी और ढाबा स्टाइल मोटरवे स्टाइल में, जो ढाबे होते हैं रेस्टोरेंट, उस स्टाइल में आज पुलाव बहुत ही टेस्टदार, टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला। अभी बहुत कुछ इसमें डालना है। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। माशाई मसालों की हमने अच्छी तरह बना निकाल दिया, ये देखें 3 से 4 मिनट। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे पुलाव के लिए। वन के जी हमारे राइस है और 1.5 किलो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1500 ग्राम पानी ऐड करेंगे और 1000 ग्राम हमारे राइस है। मिलते हैं पानी को बॉयल आने तक।
माशाल्लाह पानी को अच्छी तरह बॉयल आ गया। 1 kg 20 मिनट पहले हमने पानी में भिगो लिए थे, अच्छी तरह वाश करके ऐड कर देंगे 1 kg राइस। और राइस को हमने उतनी देर तक स्लो स्लो ऐसे करके चम्मच चलाना है, उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारा पानी है ना जो 95% ड्राई हो जाएगा। लेकिन हम 90% ड्राई करके इसको दम लगाएंगे, और दम लगाने के बाद हम इसमें और इंग्रेडिएंट डालेंगे, पोटैटो डालेंगे, बहुत कुछ डालेंगे। अभी माशाल्लाह जी ये देखें तकरीबन 85% हमारा पानी ड्राई हो गया, और 5% हम और ड्राई करेंगे फिर हम इसको दम लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह 90% हमारा पानी माशाल्लाह ड्राई हो गया। फ्लेम को हमने दम पे लेकर आएंगे सबसे पहले, और फिर देखें ऐसे करके हैं, ऐसे देख लें इतना पानी आपने ड्राई करना। अगर आपको सिंगल सिंगल पीस राइस का भी चाहिए और मज़ेदार भी चाहिए, और सब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फूड कलर डाल के पोटैटो को बॉयल कर लिया। ये देखें हैं ऐसे करके पोटैटो ऊपर डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं कलरफुल पोटैटो, और साथ में हमने 2 से 3 हरी मिर्च ऐसे करके ऐड कर देंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ऐड करना है ओलिव, ग्रीन ओलिव है, विटामिन सी की तरफ भी लेकर जाएंगे और खुशबू की तरफ टेस्ट की तरफ, समझ तो गए आप, इसलिए हमने ओलिव डाल दिया ये अचार, और ऊपर से क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे ऐसे करके हैं। ये देखें ऐसे करके, और फिर हम इसको क्या करना है, फिर हमने इसको दम लगा देना है ऐसे करके 15 मिनट के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी 15 मिनट के बाद दम को उतारेंगे। जी देखें हैं सुभान अल्लाह, ये देखें कितने प्यारे राइस लग रहे हैं, और ये देखें सर आलू को इधर कर देंगे पोटैटो को ऐसे करके, और राइस का हम आपको दिखाएंगे। ये देखें हैं सिंगल सिंगल है ना, सिंगल सिंगल, और खाने में नहीं बहुत मज़ेदार, रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल मुरादाबादी पुलाव भी बोलते हैं, बनू पुलाव भी बोलते हैं। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी देखें सिंगल सिंगल माशाल्लाह। कमेंट में लाल भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं।